बलिया पेपर लीक मामले में गिरफ्तार जिले के तीन पत्रकार अजीत ओझा, दिग्विजय सिंह और मनोज गुप्ता की रिहाई को लेकर पत्रकारों एवं ग्रामीणों का आंदोलन मंगलवार को जारी रहा। मनियर क्षेत्र के दर्जनों पत्रकार, सामाजिक संगठन सामाजिक चेतना समिति के लोग एवं समाजवादी पार्टी भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त पत्रकार संघर्ष समिति के बैनर तले कैंडल मार्च कर मंगलवार की शाम को निकाला। बताया जा रहा है मनियर क्षेत्र की दर्जनों पत्रकार सामाजिक संगठन सामाजिक चेतना समिति के लोग एवं समाजवादी पार्टी भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने संयुक्त पत्रकार संघर्ष समिति के बैनर तले कैंडल मार्च मंगलवार की शाम को निकाला। कैंडल मार्च चांदू पाकड़ मनियर सिनेमा हॉल से निकाला, जो मनियर परशुराम स्थान पर जाकर समाप्त हो गया। कैंडल मार्च के दौरान पत्रकारों ने जिला प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। वक्ताओं ने कहा कि निर्दोष पत्रकारों की रिहाई तक एवं जिला अधिकारी बलिया जब तक सस्पेंड नहीं होंगे तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। आप देख रहे हैं कि और पीछे ये सरकार नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए नकल को बंद कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन बलिया डीएम, बलिया एसपी और डीआईओ ये नकल कराने के लिए घूस लेकर के 2-2 लाख रुपया घूस लेकर के ऐसे विद्यालय जो डिबार घोषित किए गए थे, जिनकी कोई औचित्य नहीं है, उनको मान्यता देने के लिए, उनको नकल वहाँ परीक्षा कराने के लिए, लेकिन पैसा लेकर के और उसको केंद्र बनाए हैं। और जब बलिया के पत्रकार खुलेआम पर्चा आउट हो गया, पहले ही 24 घंटा पहले पर्चा आउट होता है और पर्चे को पत्रकार प्रश्न पत्र को पत्रकार समाचार पत्रों में छाप देता है, तो अपनी गर्दन बचाने के लिए अपनी गुनाह को बचाने के लिए बलिया डीएम और डीआईओएस वो मांगता है उस पत्रकार से कि उसको व्हाट्सएप पर हमारे यहाँ भेजिए, और जब ये पत्रकार भेजते हैं तो उनसे पूछता है कि ये कहाँ से लीक हुआ, तुम्हारी ये व्यवस्था है, तुम्हारी जो खुफिया एजेंसी है, तुम किस कौन सी खुफिया तुमको सूचना देती है, कभी तुमने बताया है अपना कि हमारे कौन खुफिया है? तो अगर पत्रकारों को कोई खुफिया अगर पेपर आउट का समाचार देता है तो पत्रकार उसको क्यों बताएगा? और इसके वजह से पत्रकारों को ही अपनी गर्दन बचाने के लिए ये डीएम एसपी और डीआईओ उसको गिरफ्तार करके जेल भेजते हैं। जब सही समाचार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, और मीडिया को आवाज़ को दबाने के लिए अपनी कमियों को छुपाने के लिए जिला प्रशासन बलिया के पत्रकार अजीत ओझा, दिग्विजय सिंह और झब्बू को जेल में डाल दिया है और उन पर बेवजह फर्जी मुकदमे कायम किया है। हम पत्रकार मांग करते हैं और पूरा आंदोलन ये उतर गया है, पूरे देश में ये आंदोलन फैल चुका है, लोकसभा में भी आवाज़ उठ रहा है कि बेगुनाह पत्रकारों को रिहा करो और जो इसमें दोषी पाए जाते हैं उनको जेल में भेजो, उनको सजा दो। तो हम इसी को लेकर के, अपनी मांगों को लेकर के पत्रकारों के ऊपर जो उत्पीड़न हो रहा है उस उत्पीड़न को बंद करने के लिए हम लोग ये आवाज़ उठाए हैं। ज़रूरत पड़ेगी तो हम धरना प्रदर्शन के साथ साथ आमरण अनशन पर भी बैठेंगे। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।